टाइम पे हम क्या करते हैं, ट्रांस इसोफेजियल इको करते हैं, तो एक कैमरा एक इको डालते हैं जो गले से अंदर जाती है हम देखने के लिए, क्योंकि सर्जन की तरह हम काट के तो देखते नहीं है, तो वो इको के थ्रू सब चीज़ देखते हैं। और एक क्लिप मैंने माइट्रल पे लगाया, एक ट्राइकस्पिड पे लगाया, एंड दैट हैज गिवन अस अ वंडरफुल रिजल्ट्स। पेशेंट का हार्ट फेलियर लेके एडमिट हुआ था एंड नाउ शी हैज बीन डिस्चार्ज्ड होम। सिमिलरली जैसे मैं बता रहा था कि कुछ पेशेंट्स, आपने सुना होगा कि बहुत कॉमनली एल्डरली पेशेंट्स को अबनॉर्मल हार्ट रिदम होता है, जिसको हम कहते हैं एट्रल फिब्रिलेशन, तो इनके रिस्क ऑफ स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक होने की बहुत ज़्यादा रहती है। तो उन्हें क्या करते हैं, हम ब्लड थिनर पे डालते हैं। सो दोज ब्लड थिनर्स रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इज बिकम्स हायर। नाउ इफ दे गेट ब्लीड और उसके बावजूद उनको स्ट्रोक हो रहा है, तो हम ये एक डिवाइस डाल के ये लेफ्ट टेंडिंग टू लिव लॉन्गर एंड वी आर सीइंग मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स विद रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट जस्ट एज कम्पेयर टू द कॉर्नियल आर्टरीज। एंड दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट वी कैन डू इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट टू हेल्प दिस पेशेंट्स। Apart from routine cardiology, which everyone does, I specialized in the last few years in structural heart disease. And the main thing or what we deal with and what is the advantage is that I will go briefly through this. So that's my introduction there. I've been working in UK for the last 5 years as a consultant in the biggest heart center in London, which is called St. Bartholomew's. So as most of you might be knowing this, that this is the structure of the heart. There are four important chambers of the heart, and then let me just go to thing. Four important chambers, two on the right, so what we call as right atrium, right ventricle. And there are four important valves. Valve ka kaam ye hota hai ki it ensures that the blood flows in the right direction. ओके, सो ब्लड सारी बॉडी से राइट एट्रियम में आती है, एक वाल्व है ट्राइकस्पिड वाल्व, उसके थ्रू राइट वेंट्रिकल, और फिर वहाँ से जाती है लंग्स में थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी विच इज़ गार्डेड बाय पल्मोनरी वाल्व। एंड देन वी हैव लेफ्ट एट्रियम जहाँ से लंग्स से ब्लड्स वापस आती है, फिर माइट्रल वाल्व उससे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है, और वहाँ से ये मेन पंपिंग चेम्बर ऑफ द हार्ट है जो पूरी ब्लड को भेजती है एओर्टा में, जिससे हमारे ब्रेन, किडनीज, लिवर सब जगह ऑर्गन में ब्लड जाती है। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।